पूर्व जन्मों के पुण्यों का ही प्रतिफल है और आप सब उस पुण्यों को अर्जित कर रहे हैं कि मां सीता की सनस्थली के रूप में, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के रूप में विख्यात त्रिवेणी की इस धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये त्रिवेणी की भूमि भी है। त्रिवेणी दो ही है, या तो हमारे प्रयागराज जहां गंगा, यमुना और पवित्र सरस्वती का संगम है, त्रिवेणी का वह पवित्र स्थल जहां प्रयागराज कुंभ के अवसर पर हम सबको जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, या फिर त्रिवेणी ये पवित्र धरती है जहां पर आप सबको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत पवित्र धरती है, लोग यहां के बहुत सज्जन हैं, सीधे साधे लोग हैं, अपनी कर्मठता के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। और भाइयों बहनों, वास्तव में मनुष्य जीवन में अपने आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए अगर हम लोग अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं तो यही हमारे लिए जीवन का सौभाग्य होता है। और इस पवित्र धरती पर जन्म लेकर के आप लोग अपने न केवल कर्मठता के साथ, अपनी मेहनत और अपने परिश्रम के साथ इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, साथ साथ महर्षि वाल्मीकि और माता सीता की पावन धरा को भी देश और दुनिया के सामने एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये सचमुच बहुत सराहनीय प्रयास है। ये वर्ष हमारे लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है। एक पूरी दुनिया त्रस्त है कोरोना वायरस से। ये कोरोना वायरस संक्रमण इसमें ज्यादा है और इसलिए बचाव जितना हो सके हमें बचाव करना चाहिए। बचाओ, प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही है, जब तक दवा या वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और इसके लिए दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी। याद रखना, थोड़ी सी लापरवाही दिक्कत पैदा कर सकती है। बीमारी से, आग से और नदी से जितना व्यक्ति बचाव कर सके, बाढ़ आती है तो हम उसमें अचानक घुस नहीं जाते हैं, बचाव करते हैं। कहीं आग लगती है हम उसमें अचानक घुस नहीं जाते हैं, उससे बचाव करते हैं। ऐसे ही बीमारी के मामले में भी देखा जाना चाहिए। हर स्तर पर बचाव का प्रयास होना चाहिए और ये प्रयास स्वयं के स्तर पर, स्वयं के परिवार के स्तर पर, स्वयं के गांव के स्तर पर और फिर समुदाय के स्तर पर भी हमारा प्रयास जब आगे बढ़ेगा तब कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को हम जीतेंगे और कोरोना परास्त होगा, भारत विजयी होगा और जन जन के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य भारत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का ये पैकेज इसी अभियान का हिस्सा है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा सेवा की क्या बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत किया है भारत के जन जन ने, भारत के जनप्रतिनिधियों ने, भारत के हर एक संगठन ने और कोरोना वॉरियर्स ने। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के रूप में, सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व, भारत को नेतृत्व देने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ 25 मार्च से जब लड़ाई प्रारंभ हुई तो 25 मार्च से इस लड़ाई में आपने देखा होगा कि जब दुनिया सोच भी नहीं पा रही थी कि हमें क्या करना है, देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की और लॉकडाउन की घोषणा होते ही जब गरीबों के, कामगारों के, मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट सामने खड़ा आया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,76,000 करोड़ रुपए के
एक विशाल गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा करके हर गरीब के लिए मुफ्त में राशन की घोषणा कर दी। हर गरीब को निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने प्रारंभ कर दिए। जनधन अकाउंट में जिन गरीबों के बैंक में खाते खोले गए थे उनके खाते में 500 रुपए देने की व्यवस्था कर दी गई और किसानों के खातों में 2000 रुपए देने की व्यवस्था कर दी गई। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और विधवा पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को 1000 रुपए अतिरिक्त राशि और अग्रिम पेंशन की राशि उनके अकाउंट में दी जाने लग गई। ये प्रक्रिया निरंतर चली रही थी। बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और आसपास के देश प्रदेशों के लोगों को मुंबई छोड़ना पड़ा, महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा, पंजाब छोड़ना पड़ा, दिल्ली छोड़ना पड़ा। देश के अलग अलग राज्यों से उन्होंने प्लान करना प्रारंभ किया तो उनके लिए आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा भी की गई। और भाइयों बहनों, जब अलग अलग राज्यों से हमारे नौजवान और वहां पर कामगार और श्रमिक के रूप में काम करने वाले लोग जब पलायन कर रहे थे, हो सकता है उन राज्यों में उनको सुरक्षा और सम्मान न मिला हो, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर आपने प्रवेश किया होगा आपको अपनत्व महसूस हुआ होगा कि उत्तर प्रदेश में भोजन भी, उत्तर प्रदेश में रहने की व्यवस्था भी, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी हो रही थी।